नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्। ओम शांति शांति शांति। महादेव, मोक्ष ब्रह्म का स्वरूप होने से किसी भी क्रिया का फल नहीं होगा, ठीक है? तो कर्म फलत्वम मोक्ष में नहीं है, ठीक है? उत्पाद्य भी नहीं, विकार्य भी नहीं, आप्य भी नहीं और संस्कार्य भी नहीं। यदि संस्कार कहोगे तो संस्कार तो दो प्रकार का होगा ना, गुणाधान और दोषापनन, ठीक है? तो ब्रह्म में कोई गुण तो है ही नहीं कि गुण का आधान करोगे। और संस्कार, संस्कार होगा जब वहाँ पर मल हो तो, है ना? हाँ, तो नित्य शुद्ध है। हाँ, लेकिन अविद्या रूपी मल तो मारना पड़ेगा ना। पूर्व पक्षी ने कहा अविद्या रूपी मल है, उसको दूर करने के लिए संस्कार रूपी क्रिया करनी पड़ेगी। तो वो संस्कार यदि मानोगे किसका होगा, आत्मा में संस्कार होगा कि अन्य में होगा, है ना? तो आत्मा में तो कोई क्रिया है ही नहीं, आत्मा तो निष्क्रिय है, समझ में ना? तो फिर आत्मा में संस्कार रूपी क्रिया हो करके तो है आत्मा शुद्ध होगा तो मोक्ष अभिव्यक्त हो जाएगा तुम कहते हो, ये तो होगा नहीं। अच्छा, और दूसरे में मानेंगे, दूसरे में क्रिया हो, है ना, और संस्कार शुद्धि जो दूसरे में हो, ये कैसे होगी? ऐसा तो होता नहीं। दर्पण को घिसोगे दर्पण शुद्ध होगा, है ना? तो घट को घिसोगे तो दर्पण शुद्ध होगा, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है ना? तो इसके ऊपर पूर्व पक्ष ने कहा ये तुम्हारा जो नियम है, दूसरे में होने वाली क्रिया से दूसरी वस्तु की शुद्धि होती हो, इसके ऊपर हम व्यभिचार दिखाते हैं। पूर्व पक्ष ने क्या दिखा दिया? व्यभिचार दिखला दिया नारायण, है ना? कैसे दिखला दिया? भाष्य में आया था, ननु देहाश्रयया स्नान आचमन यज्ञोपवितादि कया क्रिया क्रियया देही संस्क्रिय मानो दृष्ट है कि नहीं? हाँ, यही चल रहा था, बराबर ना? हाँ, पेज नंबर बोलो भाई, आप लोगों के पुस्तक में बोलो 151 में कहा जा रहा है, पूर्व पक्ष ने कहा सिद्धांति के ऊपर व्यभिचार दिखला दिया, मतलब दूसरे पदार्थ में होने वाली क्रिया से दूसरे वस्तु की शुद्धि होती है ना? ये नियम कहता है वो। सिद्धांत ने कहा कि नहीं होता है, जहाँ पर क्रिया होगी शुद्धि उसी में होगी, उसी का दोष जाएगा, उसके ऊपर वो व्यभिचार दिखला दिया, ठीक है? तो दृष्टांत देखो कैसे, देहाश्रयया स्नान आचमन यज्ञोपवीतादि कया क्रियया। क्रिया देखो कौन सी है, स्नान करना, गंगा स्नान करते हो ना, हैं? तो बोलते हैं कि वो देवदत्त कहाँ गया है, तो क्या बोलते हैं लोग, गंगा स्नान करने गया है, हैं? तो कौन गया, देवदत्त गया कि नहीं, है ना? तो डुबकी लगाया तो डुबकी किस में हुई, शरीर में हुई, लेकिन शुद्धि किसकी हुई, देवदत्त की हुई, आत्मा की हुई। आचमन भी करते हो, आचमन करना तो शरीर का धर्म है, इस पर अगर जगह पे भी पहनाते हो आदि से और भी ले लो जो लेना है, छोड़ो संस्कार। तो यही जो क्रिया है, ये क्रिया कहाँ पर हुई, देह आश्रया, देह आश्रयो, है ना, यासाम, है ना, साहा क्रिया
ताहा क्रिया देह आश्रया है कि नहीं? ये तो एक वचन है, देह आश्रय क्या है वचन? एक वचन तृतीया का एक वचन प्रातिपदिक देहाश्रया क्रिया का विशेषण है, मतलब देह में आश्रित क्रिया। कौन सी क्रिया? स्नानादि क्रिया। उस क्रिया के द्वारा देही, देही कौन हो गया? आत्मा, देही हो गया आत्मा। संस्क्रिय मानो दृष्टः, देही जो आत्मा है उसका संस्कार, संस्कार होता हुआ दिखता है, देखा गया है, ये शास्त्र से भी कहा गया है कि नहीं? केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ऐसा नहीं, शास्त्र से भी कहा गया है ना। तो इसका परिहार करते हैं, टीका में दिया परिहरति ना, है ना। हाँ, ये सिद्धांत ही बोलते हैं, बोलते हैं व्यभिचार नहीं है। न कहने से क्या हुआ? न व्यभिचार, हमारे नियम में कोई व्यभिचार नहीं होता है, ठीक है नारायण। जहाँ पर क्रिया होगी शुद्धि उसकी होगी, दूसरे की नहीं होती है। ये जो हमारा नियम है ना, इसमें कोई व्यभिचार नहीं है, ठीक है ना। तो सिद्धांत कहना ये चाहता है, जो आत्मा है ना, जो मैं मान रहा है अज्ञानी, वो तो प्रतिबिंब चेतन को मैं मान रहा है। अविद्या में जो प्रतिबिंबित जो चेतन है चिदाभास है ना, उसी को मैं मान रहा है। मैं मनुष्य हूँ है कि नहीं? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, अमुक गोत्र का हूँ कि नहीं? जो चिदाभास को मैं मान करके बोलता है, समझ में कि नहीं? इसलिए देहादि उपाधि में जो तादात्म्य होने वाला जो चिदाभास है कि नहीं, शरीर में क्रिया होने से चिदाभास में क्रिया दिखती है, इसलिए क्रिया आश्रत्व की क्या होगी? भ्रांति होगी, समझ में ना। शुद्ध आत्मा में नहीं है कि नहीं? क्रिया में क्रिया हुई शरीर में तो चिदाभास में दिखती है, और चिदाभास को मैं मान रहा है ना, इले क्रिया आश्रत तो आत्मा में ये क्या होगी? भ्रांति होगी, समझ में कि नहीं? इसलिए शरीर में क्रिया होने से शरीर की शुद्धि हुई, और शरीर की शुद्धि होने से मेरे में शुद्धि हुई, तो कहाँ व्यभिचार हुआ? व्यभिचार हुआ? व्यभिचार नहीं होता, इस अभिप्राय से कहता है। ना शुद्ध चेतन में क्रिया है, ना शुद्ध चेतन में कोई क्या है शुद्धि है, वो तो नित्य शुद्ध है, ठीक है। इसलिए हमारे में कोई भी विचार नहीं है, इस अभिप्राय से न शब्द से कह रहा है नारायण, ठीक है। देखो पहले भाषण लेते हैं, फिर उसके बाद टीका लेंगे। देहादि संहतस्य एव अविद्या गृहितस्य आत्मनः संस्क्रिय मानत्वा, ये कह रहे हैं। देहादि हो गया संघात, ये मकान, मकान मकान देखो बनाते ना, सभी का संघात होता है मकान, उसमें ईंट होता है, पत्थर होता है, दुनिया भर का होता है एक नहीं। इसी प्रकार ये देहादि, ये भी क्या है? मकान की तरह, और क्या? देहादि संघत हो गया है ना, संघत बोलते हैं समुदाय को। तो देहादि संघत जो समुदाय है ना, उसमें क्या हो गया? वो विशिष्ट हो गया चिदाभास, अरे अविद्या गृहितस्य, अविद्या से गृहित, अविद्या से विशिष्ट हो गया कौन? चिदाभास आत्मा है कि नहीं? उसी आत्मा में संस्क्रिय मानत्वात, मतलब क्या होगा? शुद्ध चेतन में संस्कार नहीं है, समझ में कि नहीं? अविद्या से अध्यासित जो चिदाभास है शरीर में, उसी में संस्कार होता है, क्रिया भी उसी में होती है, संस्कार भी उसी में होता है ना। इसलिए क्या हुआ? व्यभिचार हुआ नियम का हमारा? नहीं व्यभिचार हुआ। जहाँ पर क्रिया होती है शुद्धि में उसी में होती, शुद्धि उसी में होती, दूसरे में शुद्धि नहीं होती है। उन्होंने शरीर में शरीर और चिदाभास को भिन्न मानकर उन्होंने दृष्टांत दिया। कौन? हाँ, वो भिन्न मानकर बोल रहा हूँ, लेकिन वो संगात ये की है। हाँ, तो भिन्न कहाँ है? चिदाभास शरीर को छोड़कर कहाँ रहता है?
जल को हटा दो तो प्रतिबिंब कहाँ रहेगा? जल को हटा दो सूर्य का प्रतिबिंब कहाँ होगा, है ना? तो प्रतिबिंब हो तो वहाँ पर तो जल तो रहेगा ही रहेगा। जहाँ पर जीव भाव है वहाँ पर तो अंतकरण शरीर आदि तो रहेगा ही रहेगा। ऐसे समझ में ऐसा होता है, ठीक है? उसी को वो क्या दोनों दोनों अलग अलग मान कर कह रहा है। दोनों अलग अलग कहाँ है? जब तो जीव भाव है तब तो अलग अलग नहीं है शरीर और आत्मा। अलग होगा तो फिर जो है जीव भाव कहाँ से रहेगा? शरीर और आत्मा अलग अलग हो गए तो जीव भाव ही नहीं रहेगा, है कि नहीं? ऐसा होता है। चलो, अरे बहुत भ्रांति हो जाती है वेदांत पढ़ने से, बहुत भ्रांति हो जाती है आधी अधूरी में। और क्या, और सुन लिया वेदांत जाकर सुन लिया, क्या सुन लिया? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, है ना? वो लगता है हमको ज्ञान हो गया क्या? हाँ, क्या सुन करके आओ? आए मैंने सुन लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, ज्ञान तो हो गया ना कि शरीर से मैं भिन्न हूँ, मन से भिन्न हूँ, है कि नहीं? लोग हैं, ये भ्रांति हो जाती है लोग, इसी पे अगर उपासकों को भी भ्रांति हो जाती है। जब ब्रह्मसूत्र पढ़ने पर भी भ्रांति हो नहीं जाती है जल्दी, तो फिर उपासकों की क्या बात है? आए बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है ना? बात सही है। कोई कोई स्वीकार करना नहीं चाहता है कि मैं अज्ञानी हूँ। मैं अज्ञानी हूँ कोई स्वीकार करना ही नहीं चाहता है। अब ब्रह्मसूत्र पढ़ लिया तो और दृढ़ हो जाता है। जब तक ज्ञान नहीं हुआ है, जब तक शब्द ज्ञान में रुका है, तब तक अज्ञान और दृढ़ हो जाता है। अरे हम सब समझ गए, समझ गए बोलते हैं ना, ऐसे हो जाता है। जब हैं वेदांत पढ़ने वालों का ये हाल है तो उपासकों का क्या कहना है? ये अभिप्राय जल्दी है ना, भेद ज्ञान नहीं होता जल्दी कि शरीर आदि से मैं सर्वथा भिन्न हूँ, हाँ ये भान जल्दी नहीं होता है। चलो, इसलिए उनको लगता है कि मैं शरीर आदि से भिन्न हूँ, इसलिए शरीर में क्रिया होने पर भी आत्मा में शुद्धि हो गई, ये भ्रांति हो जाती है लोगों को, है ना? जिसको तुम अलग समझ रहे हो वो तो चिदाभास है, वो चिदाभास शरीर से भिन्न तो है ही नहीं, बात समझ में कि नहीं? ये सिद्धांति को कहना है नारायण, ठीक है? हाँ, भाष्य देख लो। प्रत्यक्षमि स्नान आचमनादेर देह समवायित्वम, है ना? देह में संबंध है ये सब, स्नान आचमन ये सब होता है कि नहीं? अच्छा, तया देह आश्रयया, देह में आश्रित जो क्रिया है उस क्रिया को लेकर के आत्मा में शुद्धि हो गई, ये मानता है। संस्कार आत्मा का हो गया मानता है, समझ में ना? तो सहनता है बोल, लेकिन किस आत्मा का संस्कार होता है? सिद्धांत क्या बोलते हैं? तत् सहनता ये व कश्चित, तत् कहने से देहादि संघा, देहादि है कि नहीं? तो देहादि संघत, समझ में ना? हाँ, मतलब देह में तादात्म्य को प्राप्त करने वाला कोई, हाँ कश्चित कौन हो गया? चिदाभास हो गया, हाँ जीव हो गया, और अविद्या आत्मत्व न परिगृहित, और अविद्या से वही चिदाभास को क्या मान रहा है? मैं मान रहा है, उसी चिदाभास को क्या मानता है? जैसे बालक जाल में प्रतिबिंबित सूर्य को क्या मानता है? यही सूर्य है। तो मानने का हेतु क्या है? अज्ञान और क्या है? हाँ, ऊपर कोई देखना ही नहीं चाहता है वो, इसको हट करके वो देखना ही नहीं चाहता है। जिस चिदाभास को मैं मान रहा है ना, ये वास्तविक मैं हूँ कि इससे कोई अतिरिक्त है, हट करके विचार करना नहीं चाहता वो, आगे समझ में ना? ये बालक जैसे देखना ही नहीं चाहता है ऊपर, ऐसा समझ में ना? ये होता है, क्योंकि फल भी दिखता है कि नहीं? कहने का मतलब फल भी दिखता है, हाँ। तो सूर्य के प्रति में फल दिखता है कि नहीं? वो हिलता है डुलता है कि नहीं? इसलिए यही है सूर्य, हाँ। तद अच्छा आगे, इसलिए अविद्या आत्मत्वेन परिगृहित संस्क्रियते
इसलिए वो चिदाभास के ही संस्कार होता है नारायण। इति युक्तम, ये तो मानते हैं हम, इसमें किसी प्रकार का जो है दोष नहीं है, है कि नहीं। जैसे देखो तुम तो इलाज तो कराने जाते हो डॉक्टर के पास, रोग भी तो होता है। हाँ देखो कहते हैं रोग किसका होता है और आरोग्य भी किसका होता है, ये विचार कर लो भाई। डॉक्टर लोग सुन रहे हैं, यथा देह आश्रय चिकित्सा निमित्त ना तो बोलते चिकित्सा होती ना, चिकित्सा चिकित्सा। हाँ चिकित्सा किसकी होती है मालूम है, देह में और काय की चिकित्सा किसकी होती है, देह में। देह हो गया आश्रय चिकित्सा का है कि नहीं, उसके निमित्त से धातु साम्य ना। देखो धातु में विषमता होने पर रोग होता है, ये सिद्धांत है आयुर्वेद का। और धातु में समता हो गई तो स्वस्थ हो गए, है कि नहीं। रोग किसका हुआ था, रोग किस में हुआ था, रोग हुआ था शरीर में, रोग तो शरीर में हुआ था ना, है कि नहीं। और रोग की निवृत्ति भी कहाँ पर हुई, शरीर में हुई। हाँ रोग की निवृत्ति शरीर में हुई और मानता है कि मेरे में हो गया, रोग शरीर में होने पर मेरे में रोग हुआ। हाँ और रोग की निवृत्ति भी शरीर में हुई तो मेरे में रोग की निवृत्ति, आरोग्य रूपी फल को भी अपने में आरोप करता है, आगे समझ में। ये बोलते हैं देखो, ये धातु साम्य न, धातु की विषमता होने पर रोग हुआ और धातु साम्य न, धातु की समानता हो गई, है कि नहीं। तो क्या होता उससे, तत्सहनतस्य, है कि नहीं। इसलिए देह में तादात्म आपन्न जो चिदाभास है कि नहीं, उसी को मैं मान रहा है तद अभिमानी न, है कि नहीं। इसलिए जो फल है वो भी फल मेरे में हुआ, आरोग्य फलम, आरोग्य रूपी फल किस में मानता है, वो शुद्ध आत्मा मानता है, हुआ चिदाभास में। देह में रोग होने से देह आश्रित चिदाभास में हुआ, रोग भी चिदाभास में हुआ, है कि नहीं, क्योंकि तादात्म्य है ना। और उसका आरोप कहाँ पर करता है, शुद्ध आत्मा में, कि मेरे में रोग हो गया। कोई मानता है कि मेरे प्रतिबिंब में हुआ, हाँ शरीर में हुआ अथवा शरीर के प्रतिबिंब चिदाभास उसमें रोग हुआ, कोई मानता है क्या, मानता तो नहीं मेरे में रोग हुआ बोलता है कि नहीं। इसी प्रकार आरोग्य रूपी फल भी मेरे में हुआ, शुद्ध आत्मा में आरोप करता है। कैसे, अहम आरोग इति, अहम आरोग इति, सुनते ना, मैं निरोग हो गया, पहले मैं रुग्णा था अब क्या होगा, निरोग हो गया, है ना। इति तात्पर्य क्या हुआ नारायण, यत्र बुद्धिर उत्पद्यते, है देखो जहाँ पर ऐसी बुद्धि होती है, कैसी बुद्धि, मुझे रोग हुआ, रोग की निवृत्ति हो गई, ये कहाँ पर बुद्धि हो रही मालूम है, चिदाभास में हो रही है। कहाँ पर हो रही है, चिदाभास में, ठीक है। ले यत्र कहने से देह विशिष्ट में, देह विशिष्ट चिदाभास में ये सब बुद्धि होती है, मुझे रोग हुआ, अब रोग चला गया, बूस्टर डोज लगवा दिए, बोलते ना कोरोना का बूस्टर डोज, अब कोई चिंता नहीं है, आए समझ में। इसलिए हाँ ये सिद्धांत को कहना है, ये बुद्धि जहाँ पर होती वहीं पर मानो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, शुद्ध आत्मा में नहीं, ये बोलते हैं, ठीक है नारायण। एवं इसी प्रकार जो है ये नियम घटेगा यहाँ पर भी, जैसे रोग का रोग हुआ कहाँ पर, चिताभास में, और रोग की निवृत्ति भी चिताभास में होती है, शुद्ध आत्मा में बिंब रूप चेतन में नहीं होती है। इसी प्रकार स्नान वगैरह भी कहाँ पर है, शरीर में होने से शरीर में चिदाभास जो है उसी में हुआ, और शुद्धि भी चिदाभास की होती है, भाषण में ऐसा होता है। एवं इसी प्रकार से स्नान आचमन यज्ञोपवीतादिना अहम शुद्ध, ये देखो नारायण ये स्नान किया, आचमन किया, यज्ञोपवीत किया, हाँ उसको लेकर क्या मानते मालूम है, ये तो क्रिया होगी ना, स्नान किया तो बस तुम शुद्ध हो गए, ये बोले जाते ना, गंगा स्नान कर लिया तो क्या हो गया, तुम शुद्ध हो गए, शुद्ध हो गए, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना।
गोमूत्र का सेवन किया तो तुम क्या हो गए, शुद्ध हो गए। शुद्धि होती है, नहीं होती ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन होती कहाँ पर, होती कहाँ पर ये विचार करना है ना। ये सब होती है कहाँ पर, चिदाभास में, तो जहाँ पर ऐसी बुद्धि होती है वहीं पर हो रही है, चिदाभास में होती है, ठीक है ना राणा। हाँ ऐसा होता है, अहम शुद्ध है, मैं शुद्ध हो गया है, अहम संस्कृत है इति यत्र बुद्धिर उत्पद्यते। ऐसी बुद्धि जहाँ पर होती, बुद्धि क्या है, वृत्ति और क्या है, ऐसा वृत्ति विशेष है कुछ नहीं, शुद्धि अशुद्धि सब क्या है, वृत्ति विशेष। हाँ निर्विकल समाधि में जाते हो कि आप शुद्ध है कि अशुद्ध हो, क्या कह रहे हैं आप, शुद्ध है कि अशुद्ध है, वो कैसा है, नित्य शुद्ध है ना, अशुद्धि है ना शुद्धि, वो तो शुद्ध ही है नित्य शुद्ध है वृत्ति नहीं हो तो क्या शुद्धि अशुद्धि बोलोगे, बोलो। हाँ मान लिया कि मैं अशुद्ध हूँ तो अशुद्धि भासती है और क्या है, ठीक है। शास्त्रीय संस्कार से शुद्धि और शास्त्रीय संस्कार से अशुद्धि, शास्त्रीय संस्कार से शुद्धि और क्या है, शुद्धि अशुद्धि और कुछ नहीं है, वृत्ति विशेष है, ठीक है। इति यत्र बुद्धिर उत्पद्य, बुद्धि कहाँ पर हो रही है, बुद्धि चिदाभास में, बुद्धि तो अंतकरण में होती है और अंतकरण में चिदाभास है, इसलिए बुद्धि चिदाभास में होती है। इसलिए यत्र बुद्धिर उत्पद्यते, ऐसी बुद्धि जहाँ पर होती है। हाँ ये पंक्ति को जरा सा अच्छे से समझना चाहिए, है कि नहीं, नहीं तो लोग बहुत विवाद में पड़ जाते हैं ना, समझना ना समझने से विवाद होता है कि नहीं। यत्र बुद्धिर उत्पद्यते, ऐसी बुद्धि जहाँ पर होती है, कहाँ पर होती है, चिदाभास में होती है कि साक्षी में होती है, साक्षी तो उसको प्रकाशित कर लेता है ना, अशुद्धि की बुद्धि हुई उसको ही प्रकाशित कर ले, हाँ हाँ तुम अशुद्ध हो और शुद्धि की बुद्धि हुई उसको ही प्रकाशित कर, हाँ तुम शुद्ध हो। बस साक्षी का इतना काम है, अशुद्धि को ही प्रकाशित करेगा और शुद्धि को ही प्रकाशित करेगा, लेकिन साक्षी में शुद्धि अशुद्धि कुछ नहीं है, आया समझ में। शुद्धि अशुद्धि को प्रकाशित करेगा, शुद्धि अशुद्धि का आश्रय जो चिदावास उसको ही प्रकाशित करेगा, मैं शुद्ध हूँ बोलते कि नहीं, तो मैं को ही प्रकाशित करेगा, मैं कौन, शुद्धि का आश्रय मैं शुद्ध बोलते कि नहीं, मतलब शुद्धि से विशिष्ट हो गया चिदावास, मैं शुद्ध का अर्थ क्या हुआ, शुद्धि से विशिष्ट को शुद्ध कहोगे हैं, तो वहाँ पर विशेषण हो गया शुद्धि और विशिष्ट हो गया जीव चेतन चिदाभास, दोनों को प्रकाशित करेगा, आ गया ना, साक्षी में शुद्धि है ना साक्षी में अशुद्धि, वो नित्य शुद्ध है वो, हाँ आए समझ में ना, ये कहा जाता है, लग गया। वो तो दोनों का अधिष्ठान है ना, विचार करो देख लो, अह मैं शुद्ध हूँ, क्या कह रहे हैं, मैं शुद्ध हूँ, यहाँ पर अधिष्ठान कौन है, अंश से जिसको कह रहे हो, हूँ कहते हैं ना मैं शुद्ध हूँ, ये हूँ अंश, ये हो गया अधिष्ठान, ऐसा जान, अरे मैं शुद्ध ये कौन, ये चिदाभास हो गया, और दोनों में क्या हो रहा है, तादात्म्य, दोनों को एक मान करके अज्ञानी समझता है कि शुद्ध आत्मा में होता है, शुद्ध आत्मा जो है अंश है उसका तादात्म्य कहाँ पर हो रहा है, मैं शुद्ध मेरा चिदाभास, शुद्धि से विशिष्ट जो चिदाभास है उसके साथ है का अर्थ जो अधिष्ठान शुद्ध चेतन है उसका तादात्म्य करके दोनों को एक मानते हो, इसलिए उसको लगता है कि शुद्ध आत्मा में शुद्धि हो गई, अशुद्धि भी शुद्ध आत्मा में मानता है, जैसे इधर भी देखो मैं अशुद्ध हूँ, यहाँ पर भी देखो मैं अशुद्ध हूँ, तो कहाँ पर भेद हो रहा है, विवेक नहीं ना हो रहा है का जो अर्थ है शुद्ध चेतन उसका तादात्म्य कहाँ पर हो, अध्यस्त में हो रहा है, अशुद्ध से विशिष्ट जो चिदाभास वो हो गया अध्यस्त, उसमें अधिष्ठान अंश कौन है, आ दोनों को एक मान रहा है, इसलिए अशुद्धि अपने में मान रहा है, शुद्ध आत्मा में मान रहा है, आ गया। और शुद्धि भी ऐसी उपकार हुई कि मैं शुद्ध हूँ, तो यहाँ पर भी अधिष्ठान है,
ऐसे समझ में ना, तो अधिष्ठान तो दोनों में रहेगा ना, है ना। अशुद्धि का आश्रय चिदाभास में भी अधिष्ठान, और शुद्धि का आश्रय चिदाभास में भी अधिष्ठान है, दोनों को एक मान रहे हैं, इसलिए विवेक नहीं होता है। और दोनों का विवेक न होने पर तो अध्यास होता है ना, इसलिए इतर इतर अविवेक ने कहा पहले। विचार करते समय तो अच्छा लगता सब, बाद में हम भी ऐसे ही। अरे यही तो गड़बड़ी है ना, यही है, इसलिए तो निरंतर विचार करना पड़ता है ना। इसलिए वेदांत की साधना लोग यही तो भ्रम में रह जाते हैं ना, बस थोड़ा सा सुबह पढ़ लिया, शाम को थोड़ा पढ़ लिया, तो यही केवल वेदांत की साधना, ऐसा नहीं। इसको निरंतर विचार करना पड़ता है, निरंतर विचार नहीं करेंगे तो संस्कार कैसे होगा, वो संस्कार बढ़ जाएगा ना, है ना। ये जो अशास्त्रीय संस्कार क्या है, ये हो गया अशास्त्रीय संस्कार तो अनादिकाल से है, कि नहीं यही है ना, यही अशास्त्रीय संस्कार है। कौन, कि मैं शुद्ध हूँ मैं अशुद्ध हूँ, हाँ वेदांत की दृष्टि से बोल रहा हूँ मैं, समझ में ना, मैं शुद्ध हूँ मैं अशुद्ध हूँ, ये अशास्त्रीय संस्कार, ये ज्ञान की दृष्टि से बोल रहा हूँ मैं। आपको तो अध्यास को काटना है ना, ये शास्त्र का अभ्यास करने पर भी है, स्नान ध्यान वगैरह करने पर भी जो आप मान रहे हो कि मेरे में शुद्धि, ये भी अशास्त्रीय संस्कार, इसकी दृष्टि से, ज्ञान के दृष्टि से, ज्ञान के दृष्टि से ये भी प्रतिबंधक है कि नहीं। संस्कार नहीं करना वो नहीं कह रहा हूँ मैं, संस्कार तो चाहिए, उपासना भी चाहिए, सब चाहिए है, लेकिन अध्यास को काटना है आपको, तो ये भी क्या है, ये प्रतिबंधक है ज्ञान के अभ्यास के लिए, है ना। तो फिर आपको कौन सा संस्कार चाहिए, नूतन संस्कार। नूतन संस्कार क्या है, कि मैं दोनों का अधिष्ठान हूँ, ये नया संस्कार हुआ है। ये क्या है, नया संस्कार क्या है, मैं इसका अधिष्ठान हूँ, शुद्धि अशुद्धि जीव का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। ये ब्रह्मसूत्र पढ़कर जो संस्कार हो रहा है, नया संस्कार हो गया, आ गया। और पहले का संस्कार क्या था, कि मैं शुद्ध हूँ, संस्कार से पहले मैं अशुद्ध था, अब शुद्ध हुआ, ये कौन सा संस्कार है, ये पहले का संस्कार है, ये भी शास्त्र से आया है कि नहीं, लेकिन ये भी, इसको भी हटाना है। कैसे हटाओगे, शास्त्रीय संस्कार से, वेदांत का विचार से होने वाला जो संस्कार है, ये जब दृढ़ हो जाएगा तो वो संस्कार फिर कमजोर हो जाएगा। आगे समझ में, ऐसा होता है, जैसे शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान, शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान शास्त्र से होता है ना। वर्ण आश्रम का ज्ञान, वर्ण आश्रम के भेद का ज्ञान, ये शास्त्र से होता है, ये पहले का संस्कार है, ये क्या हो गया, पहले का संस्कार। और आजकल जो आधुनिक लोग बोलते हैं, अरे कुछ नहीं होता है, वर्ण आश्रम में कोई भेद नहीं होता है, शुद्धि अशुद्धि कुछ नहीं होता है, तो ये को, ये अभी का संस्कार हुआ। ये अभी का संस्कार जब धीरे 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 जब बलवान हो जाएगा, तो आपका जो शास्त्रीय संस्कार ना, वो दूर हो जाएगा। आजकल उल्टा हो रहा है ना उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कहने का मतलब नूतन संस्कार जब दृढ़ हो जाता है, तो प्राचीन संस्कार दब जाता है, होता कि नहीं होता है, ठीक। इस बार यहाँ पर भी समझना है कि नहीं, कि मेरे में शुद्धि हुई, मेरे में अशुद्धि थी, ये पहले का संस्कार है ना। लेकिन अब क्या संस्कार हो रहा है, ये सब चिदाभास का होता है, मेरे में नहीं होता है, ये नूतन संस्कार हुआ, किससे आया, वेदांत का विचार से हुआ। ये जब दृढ़ हो जाएगा, दृढ़ कैसे होगा, निरंतर अभ्यास करोगे तब ना होगा, ये जब दृढ़ हो जाएगा तो वो फिर बाधित हो जाएगा। ये सब चिदाभास का धर्म है, अधिष्ठान का धर्म नहीं है, आगे समझ में, ये वेदांती को कहना है, ठीक है। चलो ऐसा होता है भैया, यथा देह आश्रय चिकित्सा निमित्तेन धातुसाम्येन तस्सह तस्य तत् अभिमानिन आरोग्य फलम अहम अरोग इति यत्र बुद्धि उत्पद्यते। ऐसी बुद्धि कहाँ पर हो रही है, चिदाभास में होती है, समझ में ना। एवं इसी प्रकार से स्नान आचमन यज्ञ पवितादिना अहम शुद्ध संस्कृत। ये देखो भैया, स्नान आचमन वगैरह जो क्रिया हुई,
इससे क्या मानता है? अहम शुद्ध अस्मि, तो अस्मि को जोड़ दो, अहम संस्कृत अस्मि, मैं शुद्ध हूँ अथवा शुद्ध हुआ, मैं संस्कृत हुआ, क्योंकि तो यहाँ पर भी कितने अंश है? दो अंश है यहाँ पर, एक तो अधिष्ठान अंश है और एक अध्यस्त अंश। अध्यस्त अंश कौन? शुद्ध अहम, शुद्धि से विशिष्ट को शुद्ध कहोगे, इसी प्रकार संस्कृत संस्कार से विशिष्ट को संस्कृत कहोगे, तो ये हो गया अध्यस्त। और हूँ अंश क्या हो गया? अधिष्ठान। यत्र ऐसी बुद्धि कहाँ पर हो रही है? चिदाभास में हो रही है ना, वो स संस्क्रियते, इसलिए संस्कार तो चिदाभास का होता है नारायण, है ना, चिदाभास का संस्कार होता है। अब उसमें अधिष्ठान अंश चिदाभास में रहेगा ना, है ना, जहाँ जहाँ पर जहाँ जहाँ जो जो अध्यस्त होगा उसमें अधिष्ठान का अंश होता है कि नहीं होता है? अध्यस्त पदार्थ में भी अधिष्ठान का अंश रहता है कि नहीं, है ना? पंचदशी सुने हो ना, चैतन्यम यत अधिष्ठानम लिंग देहस्य यह पुनः, और तिच्छाया लिंग देहस्त तत्संगो दीव उच्यते। सच में ना, एक तो बुद्धि हो गई, बुद्धि में चिदाभास और दोनों का अधिष्ठान होता है, इसी को तो जीव कहते हैं, ठीक है नारायण? अच्छा, सच देहेन सन्नता एव, सच कहते चिदाभास, हाँ, जिस चिदाभास में ऐसी बुद्धि हुई, मेरी शुद्धि हुई, मेरा संस्कार हुआ, है कि नहीं, तो ऐसी जो ऐसा जो है कौन? स के चिदाभास, वो चिदाभास देह को छोड़कर रहता है क्या, कि देह के साथ है? देह ना सनहता एव, देह से वो सनहत मतलब विशिष्ट है, वो विशिष्ट है। तेना एव ही अहम कर्त्रा अहम प्रत्यय विषयेण प्रत्ययिना, है ना, सर्वा क्रिया निर्वर्त्यन्ते, है देखो, इसलिए अहम जो करता है, अहम प्रत्यय मैं हूँ ऐसा भान होता है ना, ऐसा विषयक जो है प्रत्ययी, प्रत्यय कौन? ऐसा प्रत्यय जिसको हो रहा है कि नहीं, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, है ना, ऐसा विषय करने वाला कौन? चिदाभास है। प्रत्ययी कहने से प्रत्यय अस्य अस्ति प्रत्ययी, चिदाभास हो गया, है कि नहीं? ऐसे चिदाभास के द्वारा ही, है ना, सर्वाः क्रियाः निर्वर्तन्ते, सारे क्रिया जितने भी होते, चाहे अशास्त्रीय क्रिया हो चाहे शास्त्रीय क्रिया हो, ये सब के सब जो है चिदाभास के द्वारा ही संपादित की होती है, और फल भी उसी को मिलता है। क्रिया जिसमें हुई फल भी उसी को मिलता है। तत्फलम च स एव अश्नाति, उस फल का भोक्ता भी वही होता है, इसलिए कर्तृत्व भी चिदाभास में और भोक्तृत्व भी चिदाभास में होता है, ठीक है नारायण? अच्छा, टीका थोड़ा सा देख लो, टीके में दे। अच्छा, देह संहतस्य इति अनादि अनिर्वाच्य अविद्या उपधानम एव, ब्रह्मणो जीव इति च क्षेत्रज्ञ इति च आजच्छते, मिला आपको? अनादि अनिर्वाच्य जो अविद्या, ये होगी उपाधि, ये हो गई उपाधि, बराबर ना? और उसी में क्या है? ब्रह्म का प्रतिबिंब है, ब्रह्म का प्रतिबिंब है ना, वो जो ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है, हाँ, उसमें जो विशिष्ट हुआ ब्रह्म, वो हो गया जीव, ये हो गया जीव, इसलिए जीव ये तो अवच्छेद बात है ना, ये प्रतिबंध मानते अवच्छेद मानते हैं, है ना, जो अविद्या है वो क्या हो गई? अवच्छेदक, जैसे घटाकाश का अवच्छेदक कौन? घट हो गया, इसी प्रकार जीव का अवच्छेदक कौन? अविद्या है, अनादि अनिर्वाच्य अविद्या जो उपादान है, अवच्छेदक किसका हो गया? ब्रह्म का, ब्रह्म उसमें अवच्छिन्न हुआ, विशिष्ट हो गया, तो वो हो गया जीव, उसी को क्या बोलते? वही है क्षेत्रज्ञ, वही क्या है? क्षेत्रज्ञ, वही है जीव, ठीक है नारायण?
इति च आकुचते, वहाँ पर भगवान ने जो क्षेत्र के वो नहीं है ना, वहाँ पर तो है वहाँ पर साक्षी को क्षेत्र के शब्द से कहा है, और जीव को क्षेत्र के शब्द से नहीं कहा है। हैं कहाँ पर? हाँ, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र, हाँ इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र इत्यभिधीयते। और आगे इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र इत्यभिधीयते। और अगला श्लोक क्या है? क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्र से भारत आज का क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। वो जीव को नहीं कहा वहाँ पर, वो तो साक्षी को अधिष्ठान को क्षेत्रज्ञ शब्द से कहा। और यहाँ पर क्षेत्रज्ञ क्या है? जीव है। क्षेत्रज्ञ इति च आचक्षते, बराबर ना। सच स्थूल सूक्ष्म शरीर इंद्रियादि सहनता, ये देखो नारायण, वे जीव की सब उपाधि है नारायण, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, इंद्रिया है, मन है, या इससे सहनता हो गया उपाधि है कि नहीं। तत्संघातम, तत्संघात मध्य पतित, ये जो संघात हो गया शरीर आदि, हाँ उसके मध्य में जो पतित है, इसमें पड़ा हुआ है जीव और क्या फंसा है, और क्या इसी में जीव फंसा है कि नहीं। वो संघात के मध्य में पतित, वो पड़ा है, वो कब से पड़ा है हिले पतित, ये कुएं में गिरा है, ये कुएं में गिर गया है, ठीक है ना। हाँ ये कुएं में जो है मुर्दा के रूप से गिर गया, और क्या उसी को मैं मान रहा है ना। तद अभेदेना, इस उपाधि, कौन उपाधि मालूम है? यही स्थूल सूक्ष्म शरीर ये सब उसके साथ एक मान रहा भी। तद अभेदेना अहमिति प्रत्यय विषय होता, उसी को मैं, इस प्रकार अहम प्रत्यय विषय होता, अहम प्रत्यय का वो विषय है कौन? जीव हो गया, उसी को मैं मान रहा, बराबर है। अतः इसलिए क्या हुआ? शरीर आदि संस्कार, संस्कार किसका होता है? शरीर आदि का, शरीर का, मन का, इंद्रिय का, उसका संस्कार होता है। शरीर आदि धर्मोपि है ना, इसलिए शरीर आदि के धर्म को भी हैं क्या मानता? आत्मा का मान लेता है, क्योंकि उसमें तो है ना, उसमें चिदाभास है, किसमें? शरीर आदि में। इसलिए शरीर आदि धर्मोपि आत्मन होती, इसलिए वो आत्मा का हो गया, आत्मा कहने से विशिष्ट का, चिदाभास का हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि तद अभेद अध्यवसायात, हाँ उससे अभिन्न करके मान रहा है ना शरीर आदि से अभिन्न करके निश्चय हो रहा है, अरे अध्यवसाय निश्चय है उनको, संशय नहीं हो रहा है, निश्चय ही एकदम, संस्कार तो मेरा हुआ। इसमें दृष्टांत दे रहे हैं, देखो जैसे जो है महिलाएं सब लगाती है ना, देखो आभूषण सब लगाती है कि नहीं, पैंट फैंट दुनिया भर कर लगाती है ना। जथा अंग राग धर्म है, अंग का राग, राग मतलब क्या? चूर्ण, चूर्ण पेस्ट राग मतलब जिससे रूप दिया जाता है, रंगा जाता है, उसको कहते हैं राग। जैसे दीवार में लगाते हो ना, दीवार में पोतते हो ना, पैंट पोतते हो ना, इसी प्रकार लोग शरीर में पोतते हैं, और क्या है बात पोते जो बोलते हैं, ये हो गया पोता जाता है, कहाँ पर? शरीर रूपी दीवार में ये सब हैं, ये चूर्ण जो है, चूर्ण हल्दी क्या क्या चंदन ये सब हो गया पोता जाता है, ये होगा राग दीवार कौन? अंग है, अंग रूपी दीवार में ये सब राग है, राग का अर्थ चूर्ण है, रंजते अन्यति राग है ना, ये करण अर्थ में कहें प्रत्यय करो, जिसे रूप दिया जाता है, रंग दिया जाता है, उसको बोलते हैं राग। ये राग रूपी धर्म, ये तो अंग का हुआ ना, ये तो शरीर का होता है, लेकिन जो लगाने वाली वो समझती क्या? ये सब शरीर में लगाया मैंने, वो तो मैं जो सज गई, मैं सज गई बोलते ना कि शरीर सज गया बोलती है, मैं सज गई है कि नहीं, मैं
ये सब राग से रंग से मैं सज गई, ये मानते कि नहीं? एकदम एक करके मानती हो, है ना? ये बोलते हैं सुगंधिता कामिनी नाम, ये सुगंधि कहाँ पर आ गई मानती हो? कामिनी नाम, कामिनी में सुगंधिता आ गई। तो सुगंधि तो शरीर की हुई, लेकिन वो कामिनी क्या मानती हो? मेरे में हुई, मेरे में हुई मानती है, ठीक है ना? ये बोलते हैं कामिनी नाम व्यपदिश्यते पुण्य विराम, यहाँ पर पुण्य विराम, कामिनी में सुगंधिता हुई ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है नारायण? हाँ, तेना अत्रापि, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। तो क्या हुआ फिर? वो तो ये चल रहा था ना व्यभिचार के ऊपर, दूसरे में क्रिया होने पर भी दूसरे में शुद्धि हो सकती है, ये तो था ना? जहाँ पर क्रिया होती है शुद्धि उसी में होती है, ये सिद्धांत का कहना है कि नहीं? और पूर्व पक्ष ने कहा कहा दूसरे में आश्रित क्रिया से भी दूसरे में शुद्धि हो सकती है, ये कहा था ना पूर्व पक्ष ने? बोलता नहीं ऐसा नहीं होता है, क्रिया जहाँ पर होती है संस्कार उसी में होता है, दूसरे में नहीं होता है, ऐसा समझ में ना? ये तो तुम्हारी भ्रांति है। कैसे भ्रांति को स्थल को बता दिया ना, ये तो स्पष्ट है एकदम। ये स्पष्ट उदाहरण क्या होगा? अंगराग अंगराग धर्म सुगंधिता कामनी नाम व्यपदिश्यते, ये अंग में राग हुआ है ना, ये जो सजाना फजाना जितने में होते शरीर में हुआ, उसका आरोप कहाँ पर करती है? मेरे में, आत्मा में हुई है, ये कामनी मानती है, सब माना जाता है। तेना तेना अत्रापि, इस प्रसंग में भी दृष्टांत में भी यदा आश्रिता क्रिया, जिसमें आश्रित क्रिया मतलब जहाँ पर क्रिया हुई है कि नहीं, तो सामभावारिक प्रमाण विषय कृता, ये सामभावारिक प्रमाण क्या होता है? प्रमाण दो प्रकार का होता है, तत्वावेदक प्रमाण और तत्वावेदक प्रमाण। तत्वावेदक प्रमाण क्या होता है? वेदांत। और अतत्वावेदक प्रमाण क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान है, ये सब होते हैं अतत्वावेदक, उसी को कहते हैं साम व्यावहारिक प्रमाण, है ना? ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, ये साम व्यावहारिक प्रमाण, सुनते हैं ना? इसलिए साम व्यावहारिक प्रमाण विषय कृता है कि नहीं? ये क्रिया मेरे में हुई, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो रहा है कि नहीं? मैं गंगा स्नान किया, इस किस प्रमाण से सिद्ध हो रहा है? प्रत्यक्ष प्रमाण, ये सामभावारिक प्रमाण है। तो सामभावारिक प्रमाण विषय कृता, एक क्रिया हुई, ठीक है, अतत्वभेदक हुआ ना, सामभावारिक प्रमाण अतत्वभेदक प्रमाण। तस्य एव संस्कारो, ये संस्कार किसका होगा फिर? वो शरीर का ही होता है वास्तविक संस्कार, और शरीर का संस्कार होने पे चिदाभास का हुआ, बराबर है कि नहीं? न अन्यस्य, ये शुद्ध आत्मा का संस्कार हुआ, क्रिया कहाँ पर हुई? शुद्ध आत्मा में हुई क्या? हैं, विशेष अधिष्ठान चेतन में वो नहीं होती क्रिया, इसलिए संस्कार भी उसी का नहीं होता है। न अन्यस्य इति, तो इसलिए क्या तात्पर्य हुआ? न व्यभिचार, इसलिए हमारे सिद्धांत में कोई व्यभिचार नहीं हुआ, मतलब क्रिया जहाँ पर होती है शुद्धि अशुद्धि उसी में होती है, जहाँ पर क्रिया नहीं तो शुद्धि अशुद्धि उसमें कहाँ से होगी? जहाँ पर कोई क्रिया नहीं है तो वहाँ पर शुद्धि अशुद्धि हो ही नहीं सकती है। अच्छा, तत्त्वतस्तु, ये देखो परमार्थ तक विचार करेंगे तो न क्रिया न संस्कार, आत्मा न में कोई क्रिया है, आत्मा में न कोई संस्कार है, शुद्ध आत्मा में कह रहे हैं चेतन में, शुद्ध चेतन। स निदर्शनम तु शेषम अध्यास भाष्य एव कृत व्याख्यानम इति न यह व्याख्यातम, हैं दृष्टांत के साथ, ये जो भाष्य था ना, दृष्टांत बहुत सारे बता दिए, ये स्नान आचमन ये सब होता है दृष्टांत, और भी बता दिया था ना कि धातु की विषमता से रोग, अधातु की समता से आरोग्य, ये सब दृष्टांत दिया गया ना भाष्य में, है ना? इले स निदर्शनम तो शेषम,
जो आध्यासी का जो दृष्टि है निदर्शन के साथ दृष्टांत के साथ है ना, ये सब विचार हो गया अध्यास के विषय में। कहाँ पर? अध्यास भाष्य में। अध्यास भाष्य में तो भी इसका अध्यास का बहुत विचार हो गया, विस्तार से विचार हो गया। ये बोलते हैं कृत व्याख्यानम, कृतम व्याख्यानम यस्य, ठीक है ना। ये भगवान भाष्यकार का जो भाष्य था ना अभी अध्यास के विषय में, अध्यास कैसे होता है इसका तो दृष्टांत कैसे, कहाँ पर विचार हो गया? हाँ, विस्तार से विचार हो गया। इसलिए अब अध्यास के ऊपर विचार नहीं करना चाहिए, वो तो बहुत विचार हो गया है ना। इसलिए बोलते न यह व्याख्यातम, इसलिए भाष्य के ऊपर व्याख्यान नहीं किया ना अभी, भामतिकार ने किया क्या? सबका सार केवल बता दिया। अभी जो भाष्य था ना, अभी हमने पढ़े भाष्य के ऊपर व्याख्यान वाचस्पति ने पंक्तिबद्ध नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? अध्यास का विचार तो हमने पहले कर दिया अध्यास भाष्य में, इसलिए व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में ना? अच्छा, बस इतने में रखा जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।